जिंदाबाद अल्लाह ने जुंदर के सदा बहार सवात हो के आमीन अल्लाह दे वलो मरवर की या अल्लाह दा तारीख का नुशु अजीम का नुशु ऐसे बने इसी वीडियो का दे اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है जिस तरह आपने देखा होगा तमाम जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो महीनों में या एक दो साल में मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर पेशावर यूनिवर्सिटी को भी आप देख लें तो सालों साल लगे उसके तमाम फेजेस को मुकम्मल होने में, और जो भी गवर्नमेंट आती है तो जाहिर बात है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको नहीं रोका जाता, क्योंकि बेसिकली ये एक ख़ास पार्टी के लिए नहीं है, एक ख़ास पार्टी के वर्कर्स के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए एक सहूलत है, पीपल इन जनरल। तो इंशाल्लाह वो कोई रुकावट तो नहीं आएगी। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो उस टोटल कॉस्ट यूनिवर्सिटी की तो 11 बिलियन है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये फेजेस में मुकम्मल होगी। उसका जो पहले फेज़ है इसकी जो रोड है और जो बाउंड्री वॉल है, 5000 कनाल के करीब ये ज़मीन है जो ग्रेटर बाचा खान कैंपस है, जिसमें अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, बाचा खान मेडिकल कॉलेज और अमीर मोहम्मद खान सब कैंपस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ये इंशाल्लाह यहाँ पर कायम होने जा रहे हैं। और ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद मर्दान के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से शायद इससे ज़्यादा दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ना हो, क्योंकि ये एक एजुकेशन सिटी के तौर पे अब इंशाल्लाह डेवलप होना है मर्दान ने, और ये एक बेसिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसको हमने प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। मैं वीसी साहब की और अपनी तमाम टीम मेंबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका दिया है कि मैं आकर इस मेगा प्रोजेक्ट का खुद संगी बुनियाद रखूँ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अनकरीब दिनों के हिसाब से इस पर अब काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, रोड और बाउंड्री वॉल दोनों। और इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में मैं दोबारा हाजिर हूँगा, जो मेन बिल्डिंग है हमारी यूनिवर्सिटी की इंशाल्लाह उसके काम का आगाज़ होगा, और वो भी आपको मैं जहमत दूंगा, आप आएंगे। फिर ये आपने बात ठीक की, एचईसी के फंडिंग टिल नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड जो एचईसी है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है, प्रोविंसेस ने नहीं करना। और जिस मौके पे भी हमने ये मुनासिब समझा कि हमें ज़रूरत है मुहतरम प्रेसिडेंट साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की सपोर्ट की, ज़रूर इंशाल्लाह उनको हम जहमत देंगे। फ़िलहाल तो हमने जो भी मैनेज किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी रिसोर्सेज से किया है, और फंड्स की कमी इंशाल्लाह हम नहीं आने देंगे। मुलाकात अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से करनी नहीं है, बल्कि मैं कर चुका हूँ। सीसीआई की मीटिंग जिस दिन थी उस दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद बात की थी मीटिंग से पहले, और फिर मीटिंग के दौरान मैंने बाकायदा इस इशू को उठाया है। जहाँ तक 110 बिलियन रुपयों का ताल्लुक है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो प्रोविंस को कैश मिल रहे हैं और आइंदा भी मिलेंगे कैश, कोई वो हमारे लोन्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो रहे। जहाँ तक मार्कअप का ताल्लुक है और बाकी जो हमारे एरियर्स है उसका ताल्लुक है जो 110 बिलियन के अलावा है, उसके लिए अभी कोई फाइनल डिसीजन हमारे और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान नहीं हुआ। जब कोई डिसीजन होगा तो ज़रूर आपसे वो हम शेयर करेंगे। और जो एक्चुअल इसमें इशू है, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, मैंने जर्गे में भी ये कहा था कि मार्कअप और एरियाज भी हमारे लिए बहुत ही अहम है, लेकिन एक्चुअल जो सबसे मेन मसला है वो जो कैप्ड अमाउंट है 6 बिलियन को, उसको अनकैप करना है। और इसी के लिए हम इमीडिएटली इंशाल्लाह, अब ईद की छुट्टियाँ गुजर चुकी है, अब मैंने
और मिनिस्टर वाबडा ने और मिनिस्टर फाइनेंस ने बैठना है, हमने अपना अब होमवर्क करना है और हमने अब अपनी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने लेकर जानी है, जिसके बाद वो जिरगा मेंबरान से मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने कोई इकदाम नहीं करने, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग सूबा है और वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जो भी इकदाम करने हैं उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने हैं और वो कर रहे हैं। हम यही है कि हम उन इकदाम को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमने अपनी राय भी दी है और अगर कार्रवाई होती है दहशतगर्दों के खिलाफ, टारगेट किलर्स के खिलाफ, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ, तो यकीनी तौर पर हम उसको टोटली सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि ऑपरेशन हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो, इवन हैंडेड हो और जो कोई भी मुलविस हो। हमने तो उनको ओपनली कहा कि अगर ANP के लोग मुलविस हो शुरुआत उनसे करें, लेकिन जो लोग भी मुलविस हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कराची में इस नासूर को हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कराची में नॉर्मल सिचुएशन नहीं आ सकती। और दूसरी जो ज़रूरी बात इसमें है वो ये है कि कराची में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करके कराची में रहना पड़ेगा। कराची किसी एक कौम, किसी एक ग्रोह, किसी एक पार्टी का नहीं है, कराची सबका है, पूरे पाकिस्तान का है और जितनी भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनको मिलजुल कर वहाँ पर रहना पड़ेगा। Mayor Birbari ji, Anurpur Panch. This includes the main campus and the sub campuses, all club together. All club together. Dekhe bas sirf wo sab yo semester ki mingra ke lawar ko kana. Na ramu khata semester ki. No openings in sirf 700 tak. Jeke tiyo yo sab tez lat se ji classrooms daada na ve da us ji ramu university college for 600 apa. 600. Oh, situ na suri. 200. No da pach. Madan ki salor so ji na ke pach. Padesh. तकरीबन 4 किलोमीटर रोड और 4 ते लांदे यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं मगे दादा सडेरो ना सडेरो दा सड़क रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन उकू दरे सडेरो दा और गना दा मोटरवे दा और मोटरवे अगर तू नजर जिने की गे कि कुलू ना मुलू ना दी करंटली वर सडेरो दा खासा नहीं की अगर रोड तक ना बल्कि पुल रिक्वायरमेंट लेस से फर्स्ट 2 इयर्स सरी जी इमीडिएट फर्स्ट 2 इयर्स रिक्वायरमेंट स्टास कम ने स्टास हो दखल असेसमेंट मुताबिक कम से कम आगे पैसे मुतास होता अभी भी व्हाट यू वक्त ही कम दगत कमिश्नर से वो पीसी से पीसी से किन किन तास वक्त ही कम एक्सरसाइज में कमुक वाला दे पते जो पब्लिक रोड पर लाड सी से अदा से खबर को मुख पर मास्टर प्लानिंग खबर है मुझे कि मैं बाकी वाला घट लाइन तेरे दिनों का आगे सर जिक जिक ना कि दूना पुराना असल में बिल्डिंग का उसमें क्या डाली बिल्डिंग उसमें क्या खराबी आगे तब मुंगे जी दारोट था रोड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उपला हाँ जी नाइट टेक ऑफ पॉइंट थे और बिया गाले बंद शेख मलतूर पुलिस स्टेशन पर इधर से नास नहीं हो रहा पर ख्याल नहीं जब मुझे डिसीजंस वाले तुम रज़ाक वाड़ा में चीन द मीन वाइल तासो देख पल दुआ को कि पूरा वर्किंग ओके सो दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज और कम डिपार्टमेंट्स से लेके इन्वॉल्वमेंट अगर अगर से वो भी मीटिंग हो तासो पे दिल्ली में रखवाड़े और जमाल बिहार आ जाए तो मालूम कंसर्न डिपार्टमेंट्स रो